बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोग का संगठन नहीं के बराबर। गोवा में आम जनता वोट कर रही थी, लालू का वेब चला तो लालू यादव को वोट, कभी नीतीश का वेब चला तो नीतीश कुमार का वोट, कभी नरेंद्र मोदी का वेब चला तो नरेंद्र मोदी का वोट। आरजेडी का आधार वोट यादव है, बीजेपी का आधार वोट सवर्ण और बनिया समाज, एलजेपी है उसका आधार पासवान समाज है, मल्लाह जिसका बहुत कम भी पॉपुलेशन है उसका भी वीआईटी उसकी पार्टी के रूप में पहचान बन गया है, जो मुसहर समाज है उसका भी पहचान जीतनराम मांझी बन गया है, कुशवाहा समाज अभी तक छित्र बितर आज के तारीख में है। ने हमने फैसला किया कि हम लोग प्रत्येक गांव में जा करके और शोषित इंकलाब पार्टी का पदाधिकारी हम बनाए। और 2025 में लगातार दोनों चुनावी वर्ष है और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां अपने आप की सरकार बनाने की दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल करके आती है। एक तरफ जहां पार्टी दावा करती है राजधानी पटना में कि पूरे बिहार में उनकी दबदबा चल रही है, लेकिन जब बिहार की जब उस सुदूर इलाके में आप जाते हैं तो उनकी सच्चाई कुछ और निकल करके आती है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो किसी प्रत्यय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल के नेता, पूरे भारत में सबसे पहले चारों सदन के सदस्य बनने वाले वो नेता आज गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने संगठन विस्तार, पार्टी विस्तार को लेकर के लगातार अपनी रणनीतियों पे खुलकर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो अभी वर्तमान में भले तुरंत पार्टी बनाए हो लेकिन समस्या को समाधान करने में सबसे आगे है। भले ही कोई नेता डीएमएसपी को फोन करने में कतरा है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं उनकी समस्या से सीधे उनके बड़े पदाधिकारी से अवगत करा रहे हैं और समस्या को निदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी का। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद आपको। लगातार कई जिलों के, कई पंचायत के, कई प्रखंडों पे आप दौरा पे है, कैसा रहा दौरा? पहले यही जानेंगे आपसे। देखिए मेरा 44 साल पहले मैं विधायक था और 44 साल पहले से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। दो बार एमएलए बने, एक बार राज्यसभा के सदस्य बने, एक बार लोकसभा के सदस्य बने, एमएलसी बने, केंद्रीय मंत्री बने, बिहार मंत्री बने। तो मैंने महसूस किया इस बात का कि बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों का संगठन नहीं के बराबर है। आम जनता एक हवा बंडुआ में आम जनता वोट कर देती है। कभी लालू का वेब चला तो लालू यादव को वोट, कभी नीतीश का वेब चला तो नीतीश कुमार का वोट, कभी नरेंद्र मोदी का वेब चला तो नरेंद्र मोदी का वोट। चूंकि जब तक जो भी पार्टी का कैडर होता है वह कोई हवा बंडुआ में नहीं जाता है, और इसीलिए शोषित इंकलाब पार्टी ने हमने फैसला किया कि हम लोग प्रत्येक गांव में जा करके और शोषित इंकलाब पार्टी का पदाधिकारी हम बनाए। और पहले तय हम लोगों ने किया था कि कम से कम प्रत्येक, खास करके पहले कुशवाहा के गांव में हम लोग जाए, क्योंकि हर पार्टी का आधार अपना अपना समाज है। आज आरजेडी का आधार वोट यादव है, बीजेपी का आधार वोट सवर्ण और बनिया समाज है, जो एलजेपी है उसका आधार पासवान समाज है, जो मल्लाह जिसका बहुत कम भी पॉपुलेशन है उसका भी
वीआईपी उसकी पार्टी के रूप में पहचान बन गया है। जो मुसहर समाज है उसका भी पहचान जीतनराम मांझी बन गए हैं, लेकिन कुशवाहा समाज अभी तक छित्र बितर आज के तारीख में है। अलग बात है कि कुशवाहा समाज भी बिल्कुल 100% जो शंभू नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो जब काराकाट के सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी को मैंने मर्ज कर दिया था और आउट एंड आउट हमारा पूरा बिहार का कुशवाहा समाज एकजुट हो गया था। लेकिन जिस तरह से उसने समाज को गिरवी करके, समाज के साथ विश्वासघात करके, समाज को बेच करके, नीतीश कुमार जो कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री हैं आज के तारीख में, उनके गोद में चले गए। यही कारण हुआ कि ये जहां शंभू नेता बिहार के जिस जिला में जा रहे हैं, बक्सर में, आरा में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, सभी जिलाओं में उनको कुशवाहा समाज के लोग काला झंडा दिखा रहा है। और चूंकि पूरे बिहार का कुशवाहा नौजवान युवा खून पसीना एक करके इस नेता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, और जब समाज को बेच करके दुश्मन के गोद में चला गया, नेचुरल है कि कुशवाहा जो युवा है उसमें आक्रोशित होना स्वाभाविक है, और इसीलिए बहुत सारे जिलों में ऐसे नेताओं का विरोध हुआ। आरा में तो उस शंभू नेता पर हमला भी किया गया जो टीवी पेपर में समय आया। तो मैं होम मिनिस्टर को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिमियाने वाला नेता और समाज के गद्दार आदमी को आपने 2+ सिक्योरिटी दे दिया। अदरवाइज मुझे डर था कि कब कुशवाहा समाज का युवा नौजवान इस पर हमला कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग खास तौर से जो शंभू नेता हैं, जो हाल में ही 2+ सिक्योरिटी मिला है, उनका कंजूसी काराकाट है। काराकाट से ये सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने। काराकाट लोकसभा के अंतर्गत नबी नगर विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ NTPC का बड़ा कारखाना खुल रहा था और वहाँ हजारों नियुक्तियाँ हुई, लेकिन औरंगाबाद का बगल का सांसद सुशील सिंह जी ने 850 अपने लोगों को उसने नियुक्ति NTPC में करा दिया। और ये काराकाट के जुडिक्शन में NTPC आता है नबीनगर में, एक भी कुशवाहा समाज की नियुक्ति इसने नहीं कराया, एक भी। मैं 70 गांव में घूम के आया हूँ कुशवाहा समाज का, और मैं सब गांव में पूछा कि भाई किसी की नियुक्ति हुई, सारे लोगों ने कहा कि एक भी नियुक्ति नहीं। अब इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकता है और इस तरह का बेशर्म लीडर नहीं हो सकता है जो जहां जिसका जुडिक्शन नहीं है वह 850 सुशील सिंह ने औरंगाबाद के MP ने कराया और इसने एक भी कुशवाहा का तो नहीं कराया, अपने कंचोसी के भी एक आदमी को नहीं किया नियुक्ति। दूसरा, हमने 70 गांव में घूम के कुशवाहा समाज के आ रहा हूँ, मैंने सब गांव में पूछा कि ये जो शंभू नेता है आपके गांव में आते होंगे तो आपने काम के लिए बताया तो कभी आपके सामने कभी DMSP DSP को फ़ोन किया? तो सारे गांव के लोगों ने कहा, 70 गांव में बोल रहा हूँ कुशवाहा का, कि वहाँ सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि जिन्हें सो आप आवेदन रख लेते थे
और बोलते ठीक है देखेंगे। हमने कहा कि आगे कोई कार्रवाई हुआ तो बोले कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे जो अपने आप को कुशवाहा का नेता मान रहा है, ठीक नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो समय पर समझे, उनको भी गलतफहमी था कि हमारे पार्टी में एक बड़ा नेता कुशवाहा का रहा है, वो कुशवाहा से हमको बहुत फायदा होगा। लेकिन जो ही नीतीश कुमार जी को पता लगा कि इससे तो मास कुशवाहा समाज खिलाफ है, तब इसको नेगलेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद उनको पार्टी से छोड़ना भी पड़ा। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान सांसद है वह महाबली सिंह कुशवाहा, नाम है महाबली, लगता बड़का पहलवान होगा, आई भी में भी आने वाला नेता है। इसके बारे में भी मैं सब गांव गांव पूछा, एक भी कुशवाहा समाज का या कारा काट के किसी जाति संप्रदाय के लोग को इसने भी नियुक्ति नहीं कराया। तो मैंने सब जगह कहा कि ऐसे सांसद को जिताने से क्या फायदा, अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए लोग राजनीति करता है। तो हम पिछले चार दिन गोह, हसपुरा, दाऊद नगर और उबरा जो काराकाट में चार प्रखंड आता है, हम प्रत्येक प्रखंड में 8-8, 10-10 गांव कुशवाहा समाज के गांव में गया, कुछ मुसलमान समाज में गया और सभी गांव में 10-15-20 पदाधिकारी हर गांव में हम बनाए। 70 गांव में घुमा हूं अभी तक, उसमें मुश्किल से 3-4 पदाधिकारी जेडीयू का हमको नजर आया और 2 पदाधिकारी प्रखंड लेवल का बीजेपी का मिला। तो इस बार हम लोग 8 दिन लगातार औरंगाबाद प्रखंड के रामाबिघा, पटनमा, औरंगाबाद नगर, कुसी गांव में, इगुना गांव में, कर्मा भगवान में, नियामतपुर में और चंदा में, उसी तरह से मैं दूसरा दिन मदनपुर में दत्पी, ढोसीला, इरकी कला, पिपरौला, बलगांव और बिझर में, रफीगंज में चरकामा, बंधुगंज, कुटुम्बा में सिरियप, ऋषियप, तिलहाड़ा, सिमरुआ, नबीनगर में रामपुर, साया परसा, सिमरी धमनी, बैरिया, सुनौरा, बारून में तिगड़ा, रतनपुर, महावीरगंज और एक काफ़ी बड़ा जलसा मुसलमानों का था, वहाँ कम से कम 25,000 मुसलमान थे। वहाँ भी मैंने जा कर के शोषित इंकलाब पार्टी के बारे में बताया कि शोषित इंकलाब पार्टी ख़ास तौर से आप 30 वर्षों से मुसलमान राजद को वोट देते रहा, लेकिन मुसलमानों के लिए राजद ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि राजद के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन साहब का रावणी देवी मुख्यमंत्री के टाइम उनकी हत्या करने का प्रयास हुआ और उनका जब हाल में डेथ हुआ तो पूरा लालू फैमिली दिल्ली में था, मिट्टी तक भी दिल्ली नहीं आया। इसलिए जो M22 समीकरण आप समाप्त कीजिए और MK समीकरण, मुस्लिम कोरी समीकरण बनाइए, साथ साथ अति पिछड़ा, दलित और सबन को भी लेकर के हमारी पार्टी चलेगी। तो हमने महसूस किया इस बात का कि तमाम बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां सब हवा में है, लेकिन अफसोस क्या था कि चूंकि जब तक पार्टी का कैडर नहीं होगा, अगर गांव में एक भी पार्टी का कैडर होता है तो पूरा गांव को मैनेज करता है। हमने 100% जो हवा में चलने वाली पार्टियां हैं,
कभी लालू का हवा, कभी नीतीश का हवा, कभी मोदी जी का हवा, वो हवा को बिल्कुल रोकने के लिए हम प्रत्येक गांव से 15, 20, 25 पदाधिकारी बनाए हैं और यही इसी तरह का संगठन हम पूरे बिहार में बनाएंगे। और जो हमने घोषणा किया है कि नवंबर 26 नवंबर को 26 नवंबर को शोषित इनकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन बिहार के पैमाने पर पटना में करेंगे, ताकि तमाम लोग को एहसास हो जाए कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है। और अभी हम लोग किसी गठबंधन में बात नहीं करेंगे, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो। नवंबर महीना में हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा, तमाम पार्टी के लोग को पता हो जाएगा कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है, तो उस समय जितना हमारी ताकत होगी उसके हिसाब से हम शेयर की बात करेंगे, चाहे महागठबंधन हो या बीजेपी अलायंस पार्टी हो। तो ये मोटा मोटी हम लोग का सोच है और जल्द हम लोग निर्णय करेंगे कि जो गया जिला भी हमारा मेजर है, पहले हम लोग मगध प्रमंडल को हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। गया में जल्द हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें इमामगंज, डुमरिया, गुरुआ, परैया, इधर टिकारी, कोंच, फिर उधर में डेहरी, जो रोहतास जिला का है, डेहरी है, काराकाट है, ये सब इलाकों में जल्द प्रोग्राम बना करके प्रत्येक प्रखंड में 8-10 खास करके कुशवाहा के गांव में को हम संगठित करें, क्योंकि मुझे गलत फहमी बिल्कुल नहीं है। और हम खास तौर से जो कोयरी समाज है, दांगी समाज है, उससे अपील करना चाहते हैं कि हर पार्टी का आधार वोट अपना समाज होता है, इसलिए समाज के साथ, समाज जब तक शोषित इनकलाब पार्टी के साथ नहीं जुटेगा तो समाज का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए कोयरी समाज से बिल्कुल पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग पूरे बिहार और झारखंड, दो राज्यों में हमको संगठन बनाना है, बिहार झारखंड के तमाम लोग से अपील करता हूँ कि शोषित इनकलाब पार्टी में 100% लोग जुड़े, ताकि शोषित इनकलाब पार्टी मजबूत हो। और जो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण, एक मुसलमान और एक यादव समाज से, ताकि यही 6 तरह का मुख्य समाज है, एक अति पिछड़ा, एक दलित समाज, एक सवर्ण, एक मुसलमान और मेजर कास्ट में यादव और कुशवाहा। चूंकि सबसे ज़्यादा निगलेटेड कौन हमारा कुशवाहा है, इसलिए कुशवाहा से एटर्नी को सीएम बनाएंगे। और जब समाज एकजुट होगा तो नेचुरल है कि हमारा कोयरी समाज इस तरह का समाज है जिसका किसी जाति से लड़ाई नहीं है, चाहे फॉरवर्ड क्लास के लोग हों या मुसलमान हों या दलित हों, सबके साथ बिल्कुल A1 रिलेशन है। और इतिहास साक्षी है कि महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और शहीद जगदेव प्रसाद के हम लोग वंशज हैं। और एक बार सत्ता अगर इस समाज के हाथ में आएगा तो कोई लालू 15 साल में आम जनता उठ चुकी थी और नीतीश कुमार से 15-16 साल के बाद जनता उठ चुकी है, लेकिन जब कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा तो उगने का कोई सवाल नहीं है, ये परमानेंट सत्ता चलेगी जिस तरह से मौर्य सम्राट चला। सर, ऐसे तो आपने सारे सवालों का जवाब दे दिए, फिर भी एक दो छोटी सवाल बच गई। आपने भी औरंगाबाद किया था, गोह से शुरू किया था, कल उपेंद्र कुशवाहा भी औरंगाबाद गए और गोह में ही अपनी यात्रा शुरू की, इसके पीछे क्या क्या लगाए जा सकते हैं? क्या वो समाज को मजबूत करने गए थे या नागमणि जी को कमजोर करने गए थे? अरे यार, बताए न कि हर कुशवाहा के खास गाँव में जब मेरा 10-15-20-25 पदाधिकारी बन गया है तो कहाँ प्रश्न है कि कोई उसमें इंटर करेगा। अब वो 10-20-25 गाड़ी ले करके, गाड़ी दिखा करके मार्केट में जो आपका वोटर नहीं है उसी को दिखाएंगे ना, उनको अगर दम है
तो गांव में जाकर के मीटिंग कर ले, अगर गांव में जाकर के मीटिंग कर लेगा तो मेरा नीति छोड़ दूंगा। आप कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा अधिकार मांग रहे थे, हिस्सा मांग रहे थे, कुछ दिन पहले आपके अपना हमने बयान सुना, 28,000 दरोगा बहाली में आपने कहा कि 18,000 दरोगा जो है कुर्मी समाज से बना, कुछ आपने कड़े शब्दों से नीतीश कुमार सवाल किया है, क्या कुछ पूरा माजरा था वो समझाना चाहेंगे। देखिए बात क्या है कि नीतीश कुमार को हम लोग पैदा किए हैं, अकेले LJP का 29 में कई सम्मेलन तोड़ करके नीतीश कुमार को समर्थन दिया और पूरे बिहार के में घूम घूम करके कुशवाहा समाज का 100% वोट नीतीश कुमार को दिया। लॉ और कुश का समीकरण बनाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार 5 साल तो जब तक हम लोग भी, मेरी वाइफ मिनिस्टर थी या मिनिस्टर थे, तो बिल्कुल कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी मिलते रहा था, लेकिन जब से हम छोड़े तो नीतीश कुमार बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया और देश का जितना IAS IPS अफसर था सबका बिहार में डिप्टेशन करा के सभी विभागों पर कुर्मी का एक तरह साम्राज्य हो गया। DGP कोई और है लेकिन कुर्मी समाज का जो एक बड़ा पदाधिकारी है वही पुलिस विभाग का मालिक है, कहीं सेक्रेटरी किसी दूसरे जात का है लेकिन वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी कुर्मी है वही वहाँ का मालिक बना है। इस टाइप से पूरा बिहार के सभी विभागों पर कुर्मी का कब्जा हो गया है। हमारा कुशवाहा कहाँ गया? बिहार में 28,000 दरोगा की बहाली हुई है, 19,000 सिर्फ खाली कुर्मी समाज का हुआ। जब लॉ और कुश की बात था कुर्मी मात्र 1.5% है, हमारा 10-12% है, तो कोई नहीं, कहीं हिस्सेदारी हमारा कहाँ गया? तो ऐसी स्थिति में बिहार में जितना डिप्टी कलेक्टर की बहाली, सिपाही की बहाली, नर्स की बहाली, तमाम जगहों पर एक तरह से नीतीश कुमार ने कुर्मिस्तान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारा कोरी समाज को बिल्कुल निगलेक्ट करने का काम किया है। इसलिए नागमणि इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है और हमने कसम खाया है कि नीतीश कुमार सरकार को समाप्त करेंगे और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे। इसलिए पूरे बिहार के कोरी समाज से पुरजोर अपील है, खास करके नौजवानों से अपील है कि आप शोषित इंकलाब पार्टी के में शामिल होइए, पदाधिकारी बनिए और तमाम जाति संप्रदाय को जोड़ने का काम करें। एक अंतिम सवाल है मेरा, ऐसी सूत्र के हवाले से जो एक सूचना मिल रही है, औरंगाबाद जिले के जो झांसी की रानी, महिला झांसी की रानी नाम से जो प्रचलित है, शहीद सुजीत मेहता जी की पत्नी, उनका भारी भरकम जन समर्थन के साथ बहुत जल्द आपके पार्टी में शामिल होने की सूचना मिल रही है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए सुजीत मेहता औरंगाबाद का टाइगर था, बैकवर्ड क्लास का, कुशवाहा समाज का, और उसको दिन दहाड़े हत्या सामंती लोगों ने कर दिया। मैं उस समय भी गया था और दो दो जो सामंती थाना प्रभारी था मैंने दूसरे दिन दोनों का ट्रांसफर करा के कुशवाहा समाज का थाना प्रभारी का पोस्टिंग कराया था, सुमन जी को सिक्योरिटी दिलवाया था और जो भी कार्रवाई करने का था हमने किया था। तो सुमन जी से 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उनके घर पर गए थे, उनके जितने भी मुख्य सलाहकार थे सब लोग के सामने मैंने बात किया और बिल्कुल वो तैयार हो गई हैं कि हम शोषित इंकलाब पार्टी में शामिल होंगे। हमारे साथ हर गांव में जा करके आह्वान की कि शोषित इंकलाब पार्टी को मजबूत करें और उनका जल्द ज्वाइनिंग तो वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी हस्ती है, पूरे औरंगाबाद जिला का इंटायर बैकवर्ड दलित मुसलमान उसके पीछे समर्पित है, इसलिए सुमन जी को हम लोग जल्द औरंगाबाद प्रॉपर में कम से कम 15-20,000 लोग जुटेंगे उसके ज्वाइनिंग में, शोषित इनकलाब पार्टी के मीटिंग होगा और उसी में शामिल होगी, औरंगाबाद में बिल्कुल उसी दिन से शोषित क्रांति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 26 नवंबर को शोषित इनकलाब पार्टी पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेगी और अपनी शक्ति दिखाने के बाद बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके बाद वो निर्णय लेगी कि आखिर किस गठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनेगी और गठबंधन में
किस गठबंधन में वो शामिल होंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुजीत मेहता एक नाम की हस्ती थे जिनकी हत्या हो गई थी औरंगाबाद में दिन दहाड़े। उनकी पत्नी जो कि औरंगाबाद में झांसी की रानी भी कही जाती है, पूर्व जिला पार्षद भी है, पूरे दल बल के साथ लगातार पिछले कई दिनों से नागमणि जी से घूम रही है और शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनाने के 2025 में दावा कर रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक परिवेश होते हैं, किस गठबंधन में नागमणि जी जाते हैं और 26 नवंबर को जो शक्ति प्रदर्शन होगा आखिर, क्योंकि इतिहास रहा है 90 के दशक में नागमणि जी पूरे कुशवाहा समाज को एक सम्मेलन के जरिए गांधी मैदान में एक पैर पे खड़ा कराए थे। उसके बाद आज तक कुशवाहा सम्मेलन नहीं हुआ है, उसके बाद या फिर पहली बार या 21वीं सदी में देखने को मिलेगी कि आखिर कोई कुशवाहा सम्मेलन होगा और कुशवाहा सम्मेलन कितनी भयावह हो, कितनी बड़े स्तर पे होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3NS नेटवर्क के साथ पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।